ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। हमने जो पिछला वीडियो किया था उसमें कॉलर्स लॉ के बारे में पढ़ा था। कॉलर्स लॉ क्या है, कैसे आया, क्यों हम लोग कॉलर्स लॉ को पढ़ रहे थे, और फिर हमने आयनिक मोबिलिटी पढ़ी, क्योंकि जो कंडक्टेंस होता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में वो किस वजह से होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। जब आयंस चलते हैं तो कंडक्टेंस होता है। तो हमने देखा कि कैसे आयन का चलना, मींस मोबिलिटी ऑफ आयन, इज रिलेटेड टू कंडक्टेंस। तो आयनिक मोबिलिटी जो है दैट इज इक्वल टू आयनिक कंडक्टेंस। आप लोग लिमिटिंग भी कर सकते हो, लिमिटिंग मतलब फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस बाय 96,500। ये रिलेशन हमने डिराइव किया था लास्ट वीडियो में, कंप्लीट किया जा चुका है, होपफुली आपको याद होगा। नहीं याद है तो आप पिछला वीडियो फिर से देख लें। तो आयनिक मोबिलिटी के बारे में फिर बता दूं कि मोबिलिटी ऑफ आयन। पर आप लोग कहेंगे सर मोबिलिटी तो वेलोसिटी भी हो सकती थी, बट वेलोसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द आयनिक मोबिलिटी। आप लोग थोड़ा सा आइडिया दे दें, मैं टॉपिक जो पढ़ाने वाला हूँ वो ये नहीं है, बट इसको यूज कर लेंगे कहीं ना कहीं। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकेंड में या एक घंटे में या एक मिनट में कितना डिस्टेंस कोई आयन ट्रेवल करता है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द आयन। बट अगर यही डिस्टेंस जो आयन ट्रेवल कर रहा है दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप लोगों ने क्या किया है, बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ये पोटेंशियल डिफरेंस, और अब क्या कह दिया कि आयंस चले भाई, जैसे ये कैटायन है, कैटायन चला कैथोड की तरफ, ये इधर चले और अब इस डायरेक्शन में चला, एक सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड या इस पोटेंशियल ग्रेडियंट में, तो उसी को बोला जाता है आयनिक मोबिलिटी। तो आयनिक मोबिलिटी और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है कि वेलोसिटी तो सिंपली डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम या इन वन सेकेंड, लेकिन आयनिक मोबिलिटी जो है वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन आयन इन वन सेकेंड और यूनिट टाइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, एवरी टर्म इज क्लियर, ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल आपको अप्लाई करना है, ये एक सेंटीमीटर है और इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल कितना अप्लाई करना है, 1 वोल्ट। तो ये क्या है, तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आयनिक मोबिलिटी हो जाता है, क्लियर है। तो आयंस जब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं तो हम लोग उसको वेलोसिटी ना बोल के आयनिक मोबिलिटी बोलते हैं। तो जब आयन चले तो उनकी वजह से कंडक्टेंस जो होगा वो ऐसे रिलेट होगा। दिस इज द क्वांटिटेटिव रिलेशन कि जब आयन चल रहे हैं तो क्या रिलेशन आएगा, ठीक है। लिमिटिंग भी लगा सकते हैं, जब आप बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन लें तो इन्हीं को लिमिटिंग आयनिक मोबिलिटी बोल सकते हो, लिमिटिंग आयनिक मोबिलिटी, और ये हो जाएगा लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस। आयनिक कंडक्टेंस कैन बी मोलर और कैन बी इक्विवेलेंट, सारा का सारा रिलेशन मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर मैं कहूँ ये यू नॉट फॉर द लिमिटिंग आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयन, ले लिया कैटायन, तो ये आ जाएगा लेमडा नॉट लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन बाय 96,500। इसी तरीके से एनायन के लिए भी ले सकते हैं, लेमडा नॉट ऑफ सी बाय 96,500। ये पूरा रिलेशंस और फिर बाद में ट्रांसपोर्ट नंबर से भी इसका रिलेशन मैं बता चुका हूँ। अब हम लोग जानेंगे कि जब आयन चल रहे हैं तो कंडक्टेंस जो भी वैल्यू आएगी, बट क्या एक्चुअल में जो वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं क्या उतना कंडक्टेंस आता है क्या, तो उतना कंडक्टेंस नहीं आता जो हमने इस वैल्यू से कैलकुलेट किया है। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है कि इस जो आयनिक मोबिलिटी है और जिसकी वजह से आयनिक कंडक्टेंस हुआ है दैट इज अफेक्टेड बाय द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो यही है आज अभी जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक वो है इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट जिसके अंदर आयन मूव कर रहा है उसकी विस्कोसिटी का इफेक्ट क्या है, किस पे, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस पे, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस। यू मस्ट
रिमेंबर कि दिस इज लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस. लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस वो है द कंडक्टेंस ऑफ एन आयन जब सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, मतलब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है. तो याद रहे, यू नो वेरी वेल कि अगर मैं भाग रहा हूँ एयर के मीडियम में भाग रहा हूँ तो मेरी वेलोसिटी ज्यादा होगी, मेरी मोबिलिटी ज्यादा होगी. बट अगर मुझे पानी में भागना पड़ जाए तो पानी की विस्कोसिटी ज्यादा है, इसलिए उसमें भागना मुश्किल होगा. क्लियर? सेम ऐसे ही अगर आयन चला तो आयन चलेगा किसमें, अगर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी ज्यादा है तो क्या होगा, उसकी आयन की मोबिलिटी कम होगी. और अगर आयन की मोबिलिटी कम है तो उसका कंडक्टेंस भी क्या होगा, कम होगा. तो एज आयनिक मोबिलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, मोबिलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आयनिक कंडक्टेंस, है क्या नहीं? आयनिक कंडक्टेंस से डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है. एंड आयनिक मोबिलिटी इज, जितनी ज्यादा मोबिलिटी होगी इसका मतलब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी तो समझते होगे ना, रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक है. जो किसी चीज के फ्लो में रेजिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज द विस्कोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस और दैट पर्टिकुलर स्पीसीज, ठीक है. जो रेजिस्ट करे फ्लो को, ठीक है, उसको मूव ना करने दे, तो मूव नहीं करने देगा तो मोबिलिटी कम हो जाएगी. तो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट की विस्कोसिटी से इनवर्सली रिलेटेड है. तो आप क्या कह सकते हैं, हेंस आयनिक कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है. तो हम लोग ले लें लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं उसको, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट की विस्कोसिटी की बात चलेगी, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट. लेट यू नो द नोटेशन फॉर द विस्कोसिटी, दैट इज ईटा. ईटा नोट लिख देता हूँ ताकि यहाँ पे लिमिटिंग कंडीशंस है तो इसको भी नोट लिख देते हैं, आप चाहें तो ईटा भी लिख सकते हैं. तो ये क्या होगा, दिस इज लैम्डा नॉट फॉर कैटायन, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा नॉट. साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा दें, लैम्डा नॉट सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय द ईटा नॉट. ईटा नॉट को इधर ले आओ, लैम्डा नॉट सी इंटू ईटा नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. सिमिलरली इसी तरीके से आप लोग लैम्डा नॉट फॉर एनायन भी ले सकते हैं बाय ईटा नॉट. भाई सेम सॉल्वेंट में तो चल रहे हैं ना दोनों, कैटायन और एनायन, तो इसका मतलब दोनों में विस्कोसिटी तो सेम ही सॉल्वेंट की आएगी. तो दिस इज विस्कोसिटी, तो क्या आ जाएगी, लैम्डा नॉट ए इंटू ईटा नॉट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, कॉन्स्टेंट. क्लियर? आप लोग चाहें तो लेट दिस इज इक्वेशन वन एंड लेट दिस बी इक्वेशन टू, दोनों को जोड़ दे, जोड़ो दोनों को, तो आ जाएगा लैम्डा नॉट सी ईटा नॉट प्लस लैम्डा नॉट ए ईटा नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट ही आ जाएगा कि नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, ईटा नॉट. तो लैम्डा नॉट ए इंटू ईटा नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. एंड यू नो अकॉर्डिंग टू कॉलर्स लॉ मैंने आप लोगों को मोलर कंडक्टेंस के लिए भी बताया था और इक्विवेलेंट के लिए भी बताया था. अगर मोलर कंडक्टेंस लेते हैं तो आपको उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करना होता है, बट अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लेते हैं तो सिंपली ऐड करना है किसको, कैटायन के कंडक्टेंस को और एनायन के कंडक्टेंस को ऐड करना है. तो अकॉर्डिंग टू कॉलरस लॉ के अकॉर्डिंग लैम्डा नॉट सी प्लस लैम्डा नॉट ए इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ई क्यू, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. दिस इज लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. क्लियर? तो ये लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगा. तो यहां से आप लोगों को रिलेशन क्या मिल जाएगी, यहां पे पुट कर दो भाई इसको, लैम्डा नॉट ई क्यू
इनटू ईटा नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो नाउ इट इज इक्वल टू कांस्टेंट. क्लियर? तो अगर यहां पे आप लोगों के लिए जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बता दूं ताकि याद आ जाए, ए एक्स बी वाई था, ए एक्स मोल्स ऑफ ए वाई पॉजिटिव प्लस वाई मोल्स ऑफ बी एक्स नेगेटिव, यही था. अगर इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालते हो तो सिंपली कैटायन का प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन, सिंपली ये ऐड करते हैं क्योंकि ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है. क्लियर? इसमें आप ग्राम इक्विवेलेंट्स लेते हैं ना कि आप लोग मोल्स लेते हैं. लेकिन अगर आप लोग इसी का मोलर कंडक्टेंस निकालते हैं तो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है. ठीक है? क्योंकि यहां पर मोल्स आते हैं ना कि ग्राम इक्विवेलेंट्स. ठीक है? तो इसीलिए मैंने यहां पे लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिख दिया है. तो क्या हुआ इसका मतलब, दिस इज कॉल्ड द वाल्डेंस रूल. सो द प्रोडक्ट ऑफ लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर इन दोनों की गुणा कॉन्स्टेंट होगी. इट इज नॉन एज वाल्डन्स रूल. इसको बोला जाता है वाल्डन्स रूल. क्लियर है? होपफुली क्लियर ही हो गया होगा. बहुत सिंपल सा रिलेशन है. तो यहां से आप लोगों को मिल गया लैम्डा नॉट ई क्यू बाय ईटा नॉट. मतलब अगर कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी या सिंपली विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज इंक्रीजिंग, अगर सॉल्वेंट ज्यादा विस्कस है तो उसका कंडक्टेंस कम होगा. अगर उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है तो उसका लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा? बहुत कम होगा. विस्कोसिटी से इनवर्सली रिलेटेड है. अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो कम होगा, अगर विस्कोसिटी कम है तो यह कंडक्टेंस ज्यादा होगा. और इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा. एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमेशा ये दोनों की प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगी. क्लियर है? सो दिस इज अबाउट इट. आप लोग इसके अलावा भी डेफिनेशन दे सकते हैं. आप लोग ऐसे भी लैम्डा नॉट सी ईटा नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट ये भी लिखा जा सकता है. क्या कह सकते हो? सो द प्रोडक्ट ऑफ लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बजाय क्या लिख सकते हो? लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट आएगी. ठीक है? तो आयंस की भी प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगी, क्या हो सकती है? दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट. और अगर आप लोग ये ना लेके आयंस ना लेके दोनों का सम यूज करें तो भी वो हमेशा क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी. सो दिस इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट ऑन लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस. बहुत सिंपल सा टॉपिक था, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट जो बात आती है, एक चीज और याद रखना इस चीज में. वैसे तो इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी इज ओवर, लेकिन आप लोगों को एक चीज याद रखनी है इस केस में कि ये जो वाल्डन्स रूल जो है, नोट में लिखवा देता हूं कि ये जो लॉ है ये कब ज्यादा फिजिबल है. फिजिबल, दिस वाल्डन्स रूल इज फिजिबल व्हेन द साइज ऑफ आयन इज लार्ज. अगर बड़ा साइज है तो ही ये ज्यादा एप्लीकेबल है. बट अगर साइज छोटा है तो उस केस में, अगर सॉल्वेंट वाटर नहीं है तो ये एप्लीकेबल है. अगर सॉल्वेंट पानी है तो उस केस में लार्जर आयंस के लिए ही ये ज्यादा फिजिबल है. क्लियर है? ये तो जस्ट एक छोटी सी बात है कि जो कैटायंस या एनायंस है अगर उनका साइज बहुत बड़ा है तो ही उस पे विस्कोसिटी गुना में उसका इक्विवेलेंट लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को करते हो तो वो कांस्टेंट आता है. ये ज्यादातर एप्लीकेबल है जब आपके
आयंस का जो साइज है, जो इलेक्ट्रोलाइट के साइज, इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं उनका साइज बड़ा है। अगर साइज छोटा है तो वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो दिस इज आई थिंक ओके। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर ऑन लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस पे टेम्परेचर प्रेशर का क्या इफेक्ट है, अब हमें ये जानना है। तो ये कैसे जानोगे? तो बहुत सिंपल सा तरीका है जी। क्या होगा, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस क्या होगा, विस्कोसिटी डिक्रीज होगी के कम होगी, आप लोग ऐसे ही बता सकते हो, और एक काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हो। इंक्रीजेस आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस, आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी। और अगर आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, आयनिक मोबिलिटी बढ़ने से क्या होगा, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस क्या होगा जी, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस, आयनिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस, दैट्स इट, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने से लैम्डा नॉट ई क्यू या फिर लैम्डा नॉट ऑफ कैटायन और लैम्डा नॉट ऑफ एनायन इंक्रीजेस, ठीक है, और टेम्परेचर घटेगा तो भी ये घटेगी। इवन यहां मैं लिख देता हूं हेंस, टेम्परेचर बढ़ा तो आयनिक कंडक्टेंस बढ़ेगी, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस। इवन एज टेम्परेचर इंक्रीजेस विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, भाई काइनेटिक एनर्जी तो आयंस की सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की भी बढ़ेगी ना, तो वो दूर दूर होंगे तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, अगर विस्कोसिटी कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस विस्कोसिटी डिक्रीजेस, ठीक है, एंड एज द विस्कोसिटी डिक्रीजेस, विस्कोसिटी अगर कम हुई तो मोलर लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस क्या होगा, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा। तो क्या कह सकते हैं, हेंस जितना टेम्परेचर बढ़ा तो ये घट गया, तो लेकिन लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस कैटायन या एनायन का इट इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ही क्या बढ़ता है, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बातें थी। एज प्रेशर इंक्रीजेस, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा क्या होगा, प्रेशर इंक्रीजेस विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट क्या होगी, इंक्रीजेस, भाई प्रेशर बढ़ा दिया हम, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे, ज्यादा इफेक्ट नहीं है वैसे मैं बता दूं प्रेशर का, बट फिर भी अगर प्रेशर बढ़ाते हैं, बहुत हाई प्रेशर करते हैं, तो मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के नजदीक आते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, उनके की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, तो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस, और विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस तो क्या होगा, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस आयनिक मोबिलिटी, लिमिटिंग आयनिक मोबिलिटी, पूरा ही लिखूं, लिमिटिंग आयनिक मोबिलिटी क्या होगी जी, इन डिक्रीजेस, मोबिलिटी डिक्रीजेस, विस्कोसिटी बढ़ने पे घटती है। तो इसका मतलब हेंस एज द प्रेशर इंक्रीजेस लैम्डा नॉट ऑफ कैटायन और लैम्डा नॉट ऑफ एनायन डिक्रीजेस, सो दिस इज द रिलेशन, ठीक है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस, बहुत सिंपल सा ही टॉपिक था, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको याद होने चाहिए कि किससे आयनिक कंडक्टेंस, जो हम लोगों ने रिलेशन निकाला था आयनिक मोबिलिटी और किसके ऊपर, जैसे यू नॉट ऑफ कैटायन इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ कैटायन बाय 96,500, यही निकाला था ना हमने रिलेशन, इस रिलेशन से जो वैल्यूज आती हैं कंडक्टेंस की,
आयनिक कंडक्टेंस की जो वैल्यू आती है वो एग्जैक्टली मैच नहीं होती है. क्यों? क्योंकि किन किन का भी इफेक्ट आता है, वो आता है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट भी अफेक्ट करेगी, टेम्परेचर भी अफेक्ट करेगा, प्रेशर भी अफेक्ट करेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द आयनिक मोबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनिक मोबिलिटी एंड लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस. सो नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द एप्लीकेशंस ऑफ कोलरस लॉ. Applications of Kolar's law. तो मेरा जो अगला टॉपिक है वो है क्या, Applications of. आप लोगों ने ये 12th क्लास में भी पढ़ चुके हो, पढ़ा हुआ है शायद, Application of Kolar's law. वही सेम है सब कुछ, Kolar's law. Applications of Kolar's law. मैं कोशिश करूंगा कि आज दो वीडियो बने और दोनों वीडियोस में ये यूनिट खत्म हो जाए. बहुत सिंपल है, सारा पढ़ा हुआ है पिछला. एप्लीकेशंस ऑफ कोलरस लॉ. पहले तो कोलरस लॉ जान लेते हैं क्या है थोड़ा सा. वैसे तो पूरा का पूरा मैं डिटेल में बता चुका हूँ. कोलरस ने क्या देखा था, कोलरस ने देखा कि जब हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को हाईली डाइल्यूट कर देते हैं तो उसके आयंस जो है वो फ्रीली मूव करते हैं, उनका जो कंडक्टेंस है. जैसे कि मेरे पास ये एसीटेट आयन है, ये एसीटेट आयन है, ये एसीटेट आयन सोडियम के साथ जुड़ा हुआ था, सोडियम एसीटेट था. तो ये इसका जो कंडक्टेंस है, जब ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया गया, मतलब लिमिटिंग कंडीशंस में आ गया, तो इसका जो आयनिक कंडक्टेंस है वो सोडियम आयन के कंडक्टेंस पे डिपेंड नहीं करता. इसकी जो मूवमेंट है वो फ्री मूव करेगा ये, तो इसका कंडक्टेंस फिक्स है. ठीक है, तो क्या बताया था कोलरस लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कोलरस लॉ द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनी आयन इज ऑलवेज स्पेसिफिक इररिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूसिंग इट. इसको कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस करता है या इलेक्ट्रोलाइट में दूसरा आयन कौन सा है उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता. इसीलिए इस लॉ का नाम था कोलरस लिमिटिंग लॉ या कोलरस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस. इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एसीटेट आयन का अगर मैं कहूँ कि मोलर कंडक्टेंस क्या था, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस जो था वो ये एक्स था. तो इसी तरीके से अगर मैं एसीटिक एसिड में ले लूं तो इसमें भी इसका लिमिटिंग कंडक्टेंस क्या आएगा, एसीटेट आयन का एक्स ही आएगा. ठीक है, एक्स सेम आएगा, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. तो यू नो आई थिंक वेल यूनिट्स ऑफ इट. तो क्या फर्क पड़ा, क्या यहाँ पर एसीटिक एसिड से एसीटेट निकला है, यहाँ सोडियम एसीटेट से एसीटेट निकला था, तो क्या उनका जो लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस है क्या वो चेंज हुआ, क्या दूसरे आयन से अफेक्ट हुआ क्या उस इलेक्ट्रोलाइट में जो था? तो तुम्हारा आंसर है नहीं. तो ये है कोलरस लॉ. अब इस कोलरस लॉ का यूज कहाँ पे है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा था कोलरस लॉ, तो इसलिए फिर से रिपीट नहीं करेंगे. सेम वीडियो है, आप लोग इसको रिवाइंड करके देख भी सकते हो इसको. ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ कोलरस लॉ, सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, कहाँ अप्लाई कर सकते हो, इन डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्बडा एम नॉट और लैम्बडा नॉट ई क्यूब. ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या फिर लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आप निकाल सकते हो. कैसे निकाल सकते हैं, इजी है. According to Kolar's law, ये weak electrolytes की बात चल रही है. मैं पहले तो बता रहा हूँ कि कैसे निकाल सकते हैं, फिर बताऊंगा क्यों निकाल सकते हैं और क्यों जरूरत पड़ी इसकी, हालांकि पहले भी हो चुका है. According to Kolar's law, the molar conductance, limiting molar conductance
कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द लिमिटिंग, इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ ईच आयन, हर आयन का जो लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस है उसको जोड़ दो, एंड मल्टीप्लाइड विद देयर कोरस्पोंडिंग नंबर ऑफ कोरस्पोंडिंग नंबर ऑफ आयन्स, जितने भी वो आयन्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। एक एग्जांपल से समझते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक Al2SO4 होल थ्राइस, ये टूट गया किसमें, Al3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में, ठीक है। अब एल्यूमिनियम के कितने आयन्स रहेंगे, 2, और सल्फेट के कितने रहेंगे, 3। तो इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, Al2SO4 होल थ्राइस इट इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ सल्फेट आयन, और इसको मल्टीप्लाई कर दो जो कोरस्पोंडिंग नंबर ऑफ आयन्स हैं, तो 2 हैं एल्यूमिनियम के आयन्स, तो 2 से, यहाँ पे 3 है तो 3 से, तो ये आ गया आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो ये किसी से भी आए, एल्यूमिनियम आयन को जरूरी नहीं यहीं से आए, ये तो इस पे इफेक्ट ही नहीं करता, करेगा क्या, जो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट में जो दूसरा आयन है वो कंडक्टेंस ऑफ अदर आयन इज नॉट अफेक्टिंग, अगर तो वो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो ये मैं पहले बता चुका हूं, तो ये सम हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसी को अकॉर्डिंग टू कोलर्स लॉ लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ ईच आयन, और किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट लैम्डा नॉट ईक्यू, तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट ईक्यू ऑफ एल्यूमिनियम आयन, लैम्डा नॉट ईक्यू ऑफ, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्राम इक्विवेलेंट्स है, ठीक है, इसमें आपको किसी भी आयन से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हर आयन का अपना लिमिटिंग कंडक्टेंस है, तो इसीलिए कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सब कुछ तो फिक्स है। अब बात आती है क्यों कर सकते हैं, तो क्यों कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज तो ऊपर जो लिमिटिंग कंडक्टेंस है इसका मतलब समझ लें, लिमिटिंग कंडक्टेंस रिप्रेजेंट द कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जब इलेक्ट्रोलाइट पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाए तो लिमिटिंग कंडक्टेंस रिप्रेजेंट्स द कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जब इलेक्ट्रोलाइट पूरा का पूरा डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है, यही होता है ना, मत क्यों कैसे होता है ये भी बता देता हूं, लिमिटिंग कंडक्टेंस रिप्रेजेंट द कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो ये कैसे होता है, इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड एट हाई डाइल्यूशन, जब डाइल्यूशन बहुत ज्यादा होगा तो ही होगा, तो ही तो लिमिटिंग कंडक्टेंस है, जहां पर हमने सॉल्वेंट बहुत ज्यादा डाला हुआ है तो वहीं पे वो पूरा का पूरा टूटेगा। बट एज द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कैन नेवर डिसोसिएट, मैं डिसोसिएट लिख रहा हूं बट द करेक्ट टर्म इज आयनाइज, ठीक है, विच कैन नेवर डिसोसिएट कंप्लीटली, बट एज द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैन नेवर डिसोसिएट कंप्लीटली इवन एट हाई डाइल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर लैम्डा एम नॉट और लैम्डा नॉट ई क्यू
फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एक्सपेरिमेंटली आप कभी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लिमिटिंग कंडक्टेंस मेजर नहीं कर सकते हो। लिमिटिंग कंडक्टेंस होता है जब इलेक्ट्रोलाइट ऑलमोस्ट पूरा टूटे। पूरा कब टूटता है? जब बहुत हाई डाइल्यूट किया जाए। पर क्या कभी आपने देखा था, पीछे मैंने इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन बताया था आप लोगों को, लैम्डा एम नॉट सी, लैम्डा एम सी एंड हेयर इट इज अंडर रूट सी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में तो आपने क्या कर दिया था, इसको एक्सट्रापोलेट करके यहाँ से लैम्डा एम नॉट निकाल लिया था फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में तो इसको हम लोग एक्सट्रापोलेट कर ही नहीं पा रहे थे। एक्स्ट्रापोलेट करके ये कभी भी कंसंट्रेशन जीरो होके हम मेजर नहीं कर पा रहे थे। जब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज अप्रोचिंग टू जीरो, मतलब फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन वी आर नॉट कैपेबल टू मेजर दी लैम्डा एम नॉट वैल्यू फॉर दी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, कॉलर्स लॉ को यूज करना पड़ा। कॉलर्स ने इसीलिए ये लॉ दिया था, ठीक है। तो क्या किया जाए, तो एक्सपेरिमेंटली तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या किया जाए। सो टू मेजर लैम्डा एम नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वी कैन यूज, क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज कोलरश लॉ। हम कोलरश लॉ यूज कर सकते हैं, कोलरश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। क्या है, फॉर एग्जाम्पल लाइक हमें निकालना है लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड। हमें एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस मेजर करना है। तो एसिटिक एसिड जो है कितना भी डाइल्यूट कर लो, क्या ये पूरा का पूरा टूट सकता है क्या? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, तो हम भी मान गए, ठीक है, नहीं होगा। बट अकॉर्डिंग टू कोलरश लॉ लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड होगा किसके बराबर? तो तुम कहोगे सर ये इन दोनों एसीटेट आयन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस और हाइड्रोजन आयन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के सम के बराबर होगा, यही तो होगा। लेट दिस बी द इक्वेशन वन, यही हमें निकालना है। तो क्या मैं एसीटेट आयन का लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस निकाल सकता हूँ? तो आपका आंसर है कि सर हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूं यहां पे, ये जो लाइन लिखी थी, सो टू मेजर लैम्डा एम नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वी कैन यूज कोलरश लॉ, ठीक है। तो क्या लिखते हैं इसके आगे एक लाइन लिख सकते हैं, लैम्डा एम नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, या ऊपर क्या लिखा लैम्डा एम नॉट, तो मैं मोलर कंडक्टेंस ही लिख देता हूँ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस यूज करके मैं मेजर कर सकता हूँ। जैसे एसिटिक एसिड है तो मुझे एसीटेट आयन चाहिए, तो सोडियम एसीटेट, इट इज अ साल्ट, सोडियम एसीटेट। तो ये किस में टूट गया, इट विल डिसोसिएट इनटू एसीटेट आयन प्लस सोडियम आयन, ठीक है। और इसका लैम्डा एम नॉट मैं मान लेता हूँ किसके बराबर है, ऑफ सोडियम एसीटेट इज इक्वल टू, लेट इट इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। याद होगा सीमन सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल, दिस इज द यूनिट ऑफ इट, ठीक है। ये आ गई, तो इसको लिखने का तरीका ऐसे नहीं लिख सकता क्या मैं इसको, लैम्डा एम नॉट ऑफ एसीटेट आयन प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ एन ए पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू एक्स, लिख नहीं सकते क्या? तो आपका आंसर है कि हाँ लिख सकते हैं। तो लेट दिस बी इक्वेशन टू। अब दूसरा ले लिया HCl, HCl में क्या मिलेगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। मान लो इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है, लेट दैट बी इक्वल टू Y, तो इसको कैसे लिख सकते हो, लैम्डा एम नॉट ऑफ एच पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, तो इसीलिए पूरा टूटेगा, तो इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आप अभी जो मैंने बताया था डिवाई एक्लॉन सेजर थ्योरी और डिवाई एक्लॉन सेजर बिहेवियर के बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो दोनों का आ गया वाई, लेट दिस बी इक्वेशन थ्री। दो और तीन को जोड़ दो तो टू प्लस थ्री कर दो,
तो क्या होगा, लेमडा एम नॉट ऑफ एसीटेट आयन, एसीटेट आयन प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ सोडियम आयन प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ एच पॉजिटिव प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ सी एल नेगेटिव इज इक्वल टू किसके बराबर, x प्लस वाई। लेट दिस बी इक्वेशन 4। अब देखो हमें एसीटेट आयन चाहिए और एच पॉजिटिव आयन चाहिए, यही चाहिए ना, फर्स्ट इक्वेशन में यही दिया था। तो हमें सोडियम आयन क्लोराइड आयन चाहिए क्या, तो ये एक्स्ट्रा कंडक्टेंस आ रहा है, तो इनका कंडक्टेंस हम लोग घटा देते हैं। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एक और चीज भी यूज कर सकते हैं, और वो है क्या, लैम्डा क्या लेते हैं, NaCl ले लिया। NaCl किस में टूटेगा, अगेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl इज इक्वल टू, लेट इट इज जेड, तो इसका कैसे लिख पाएंगे, लैम्डा एम नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl नेगेटिव इज इक्वल टू जेड। लेट दिस बी इक्वेशन 5। अब क्या करो, चार में से पांच घटा दो, तो 4-5 कर देते हैं, तो 4-5 क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट ऑफ एसीटेट आयन प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ सोडियम आयन प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ एच पॉजिटिव आयन प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ सी एल नेगेटिव आयन माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ एन ए पॉजिटिव माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ सी एल नेगेटिव। और ये था, उसकी वैल्यू थी एक्स प्लस वाई, और इसको कर दिया माइनस जेड। Cl से Cl कैंसिल भाई, सोडियम आयन से सोडियम आयन कैंसिल, तो क्या आ गया, आप देखेंगे कि इक्वेशन 1 यू विल गेट लैम्डा एम नॉट ऑफ एसीटेट आयन कहाँ है, ये रही, लैम्डा एम नॉट ऑफ एसीटेट आयन प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ एच पॉजिटिव आयन, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, इट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो ये ही किसके बराबर था, अभी हमने इधर लिखा ही हुआ था, लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड, तो निकल गया कि नहीं निकल गया, कॉलरश लॉ पे बेस्ड, क्योंकि कॉलरश ने बोल दिया था कि भाई आप क्या कर सकते हैं, इस एसीटेट आयन को चाहे सोडियम के साथ जोड़ दें चाहे हाइड्रोजन के साथ जोड़ दें, इसका लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए हमने इसकी वैल्यू को फिक्स कर दिया। आप इसको जोड़ सकते हो घटा सकते हो, क्यों कर सकते हो, क्योंकि सबका लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस फिक्स है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन इन डिटरमिनेशन ऑफ लैम्डा एम नॉट और लैम्डा नॉट ई क्यू नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है, ये मैं करवा चुका हूँ और पिछले वीडियो में करवाई थी, और अभी भी बहुत देर से मैं कह ही रहा था, इन डिटरमिनेशन ऑफ आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी एंड लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस या सिंपली आयनिक कंडक्टेंस, ये भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने अभी देखा था आयनिक मोबिलिटी किसके बराबर है, आयनिक मोबिलिटी इज इक्वल टू आयनिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बाय 96,500। आप लोग चाहें तो इसको कॉलर्स लॉ लगा के भी यूज कर सकते हैं, लाइक यू नॉट ऑफ ए इज इक्वल टू लेमडा नॉट ऑफ ए बाय 96,500। मैं पूरा डिराइव नहीं कर रहा हूँ, आप लोग चाहें तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है, लेमडा नॉट इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ले रहे हैं तो कंसंट्रेशन लिख देते हैं, सी लिख देते हैं, ठीक है। तो के किसके बराबर आ जाएगा, सी इंटू लेमडा नॉट बाय 1000, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। के क्या है, कंडक्टेंस है, तो ये कंडक्टेंस ही निकालनी है जब 1 cm³ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो, तो 1 cm³ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए कंडक्टेंस है, तो दिस इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 cm³ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो 1 cm³ ले रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, तो 1000 को भी 1 ही कर दो, तो सी इंटू लेमडा नॉट कर दिया है, ठीक है। बस इसी तरीके से निकालना है, ये कैटायन के लिए ले रहे हो, कैनायन के लिए, तो ये तो टोटल कंडक्टेंस आ सकती है ना तुम्हारे पास, तो यहाँ से ये कंडक्टेंस ऑफ 1 cm इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कैसे निकालोगे, आप सबको पता है कि जो आयन की मोबिलिटी हम लोग ले लेते हैं, यू नॉट ऑफ कैटायन एंड यू नॉट ऑफ एनायन, ये ले लिया, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस था
लेमडा नॉट ई क्यू, तो लेमडा नॉट ई क्यू किसके बराबर होता है, लेमडा नॉट ऑफ सी प्लस लेमडा नॉट ऑफ ए, यही होता है ना। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, लेमडा नॉट ऑफ ए ये आ गया, और ये यू नॉट ऑफ सी यू नॉट ऑफ ए, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, U नॉट ऑफ C मतलब U नॉट C सेंटीमीटर डिस्टेंस, मतलब कैटायन जो है एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं U नॉट C, और एनायन एक U नॉट C सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं किसमें, एक सेकंड में। और हम लोग जो लेके चल रहे थे ये इलेक्ट्रोड के अराउंड हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया है कितना, एक वोल्ट, एक वोल्ट हमने अप्लाई कर दिया, एक वोल्ट अप्लाई किया, तो इसका मतलब ये जो मोबिलिटी है ये वेलोसिटी है ये मोबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, ये एक सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है, एक सेंटीमीटर। तो जैसे ही आपने ये किया अप्लाई, तो यू नॉट सी सेंटीमीटर पे जाके कैटायन कैथोड पे जाके डिस्चार्ज हो जाएगा, और एनायंस एनोड पे जाके डिस्चार्ज हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास कंसंट्रेशन है सी, ये तो सिर्फ U नॉट C कैटायन पहुंचा है, अब कंसंट्रेशन है C, तो एक सेकंड में कितने कैटायंस पहुंचेंगे, C into U नॉट C, और ये कितने पहुंचेंगे, C into U नॉट ऑफ A, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब डिस्चार्ज होता है तो एक फेराड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो जब इतने कैटायंस पहुंचेंगे, इतने डिस्चार्ज होंगे, तो सी यू नॉट सी इंटू 96,500 दैट इज 1 फेराड, इतनी इलेक्ट्रिसिटी या इतने कंडक्टेंस आएगा, कंडक्टेंस ऑफ 1 cm³ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, एंड यू नॉट ऑफ ए इंटू सी इंटू 96,500 कुलाम्स, इतना आएगा भाई हमारे पास, ठीक है। कुलाम सी से दिखाते हैं, पर सी पहले यूज हो रहा है ये कंसंट्रेशन के लिए, पुट कर दें भाई यहाँ पे पुट कर देते हैं, अच्छा हाँ ये था कंडक्टेंस ऑफ 1 cm³ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, किस वजह से था, कैटायन एनायन की मोशन की वजह से, तो इतना कंडक्टेंस आ गया। तो C इंटू 96,500 इंटू यू नॉट C प्लस यू नॉट A इज इक्वल टू C इंटू लेमडा नॉट C प्लस लेमडा नॉट A, ये आ गया, C से C कैंसिल, तो इसको इधर ले जाओ 96,500, ऐसे लिख सकते हो बाय 96,500 बाय 96,500, तो U नॉट C किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू लेमडा नॉट C बाय 96,500, यही लिखा है मैंने, कहाँ पे लिखा था, U नॉट A किसके बराबर हो गया, लेमडा नॉट A बाय 96,500, तो यही लिखा है, ये रिलेशन हम लोग डिराइव कर चुके हैं, आप लोग चाहे दोबारा से भी कर सकते हैं, हार्डली 2 मिनट ही लगेंगे आपके, ठीक है भाई। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू, तो अब देखते हैं कोलर्स लॉ पे बेस्ड कैसे, तो U नॉट A U नॉट C किसके इक्वल हो जाएगा, लेमडा नॉट C बाय 96,500, आप लोग दोनों को जोड़ दें, टोटल कंडक्टेंस तो इन्हीं की मोबिलिटी से होगा ना, U नॉट A प्लस U नॉट C, समझ लें, दिस इज दी आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन एंड दिस इज आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन, तो जोड़ दिया दोनों को, लेमडा नॉट A प्लस लेमडा नॉट C बाय 96,500, अकॉर्डिंग टू कोलर्स लॉ ये क्या है, दिस इज लेमडा नॉट ई क्यू बाय 96,500 is equal to U naught of A plus U naught of C, यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बेस पे आप लोग लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल सकते हो, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाए तो आप लोग क्या निकाल सकते हो, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस भी निकाल सकते हो, ठीक है भाई। आप आयनिक मोबिलिटी एक की पता चल जाए, उससे एक आयन का लिमिटिंग कंडक्टेंस आ जाएगा, दूसरे का निकाल सकते हैं इस रिलेशन से, पहले लेमडा नॉट ई क्यू निकाल लो, फिर लेमडा नॉट ई क्यू से लेमडा नॉट ऑफ कैटायन भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा एक रिलेशन और है, वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, वो ये है कि अगर 96,500 इज कॉन्स्टेंट, इसका मतलब आयनिक मोबिलिटी जो है That is directly proportional to, ionic mobility is directly proportional to किसके, is directly proportional to ionic conductance, ये ionic conductance के directly proportional है, ठीक है, ionic mobility is directly proportional to ionic conductance, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, lambda naught of A is directly proportional of U naught of A, sign of proportionality हटा दो तो K constant लग जाएगा, lambda naught of A C ले लें, कैटायंस इज इक्वल टू K इंटू यू नॉट ऑफ C, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ो तो क्या रिलेशन आ जाएगा, लेमडा नॉट ऑफ A प्लस लेमडा नॉट ऑफ C
इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? अच्छा इसको डिवाइड कर दो, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो लेमडा नॉट ऑफ ए बाय लेमडा नॉट ऑफ सी इज इक्वल टू यू नॉट ऑफ ए बाय यू नॉट ऑफ सी आ जाएगा। दोनों में एक एक जोड़ दो, ठीक है जोड़ दिया। तो लेमडा नॉट सी प्लस लेमडा नॉट ए बाय लेमडा नॉट सी इज इक्वल टू यू नॉट सी प्लस यू नॉट ए बाय यू नॉट सी, यही आ जाएगा। उल्टा कर दें भाई, लेमडा नॉट सी बाय ये क्या है अकॉर्डिंग टू कॉलर्स लॉ, लेमडा नॉट ई क्यू एंड व्हाट इज इट, u नॉट c बाय u नॉट c प्लस u नॉट c प्लस a। तो ये क्या है, ये आपका ट्रांसपोर्ट नंबर है कैटायन का, दिस इज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। तो लेमडा नॉट c किसके बराबर आ गया, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इनटू लेमडा नॉट ऑफ eq। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। ये मैं पहले सारी बता चुका हूँ, ये तो जस्ट ऐसे ही बता दिया ताकि मैं डायरेक्ट ना बताऊं। तो आयनिक मोबिलिटी निकाल सकते हो, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस भी निकाल सकते हैं कोलर्स लॉ के बेस पे। कैसे निकाल सकते हो, ये इसके बराबर है। अगर ये आ गए तो आपके पास एक वैल्यू भी आ जाएगी लेमडा नॉट ए की, तो आयनिक मोबिलिटी आ जाएगी। लेमडा नॉट सी की वैल्यू पता चल जाए तो भी पता चल जाए। लेमडा नॉट ई क्यू हम कोलर्स लॉ से निकाल लेंगे। अगर हमें कैटायन या एनायन में से एक का भी लिमिटिंग कंडक्टेंस पता चल गया तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। दूसरे की वैल्यू आते ही हम लोग आयनिक मोबिलिटी भी निकाल सकते हैं। आयनिक मोबिलिटी आने के बाद और लेमडा नॉट सी लेमडा नॉट ई क्यू आने के बाद हम ट्रांसपोर्ट नंबर भी निकाल सकते हैं। So this is all about it. So this is in determination of ionic mobility and ionic conductance. Next application है, third application है in determination of degree of dissociation भी आप निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ये भी निकाल सकते हो बाय यूजिंग द कॉलर्स लॉ। कैसे निकाल सकते हैं आप लोग देखें, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है क्या पहले तो ये जान लें। एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैन नेवर बी आयनाइज्ड और डिसोसिएटेड आयनाइज्ड completely at any concentration, hence we can measure their, क्या measure कर सकते हैं, lambda m molar conductance at any concentration c। मैं यहां लिख रहा हूं molar conductance या फिर equivalent conductance, relation याद होना चाहिए भाई, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसेंट्रेशन सी, क्योंकि आप इनका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, और असल में कहा जाए तो वो पॉसिबल भी नहीं है। जो चीज पूरी टूटी ही नहीं तो उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्यों निकालें, ठीक है वो हम लोग निकाल लेंगे, बट उससे पता ये कर पाएंगे कि वो कितने डिग्री तक डिसोसिएट हुआ है। पूरा तो हुआ नहीं बट वो कितने डिग्री तक डिसोसिएट हुआ, हेंस वी कैन मेजर देयर, दिख रहा होगा, विल चेक, ओके। एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैन नेवर बी आयनाइज्ड कंप्लीटली एट एनी कंसंट्रेशन, वी कैन मेजर देयर लैम्डा एम सी मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन सी, किसी भी कंसंट्रेशन सी पे एक्सपेरिमेंटली हम लोग ये तो मेजर कर सकते हैं, बट लेमडा एम नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कैन नॉट बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, ओके एक्सपेरिमेंटली हम मेजर नहीं कर सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग कोलरस लॉ को यूज करके क्या निकाल सकते हो आप लोग, कोलरस लॉ अभी ऊपर निकाला था ना हमने, कोलरस लॉ लैम्डा एम नॉट ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी मेजर्ड, आप मेजर कर सकते हो, कैन बी मेजर्ड एंड बाय कंपेयरिंग लैम्डा एम सी एंड लैम्डा एम नॉट वी कैन मेजर
वी कैन मेजर, क्योंकि ये तो है लैम्डा एम नॉट कब, जब 100% डिसोसिएट हो चुका है, जो पॉसिबल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है, ये प्रैक्टिकली नहीं है, ये थ्योरेटिकली है, लेकिन लैम्डा एम सी प्रैक्टिकली है। तो एक तो दिखा रहा असली वैल्यू, एक 100%, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यही तो होता है, कैन बी मेजर्ड बाय कंपेयरिंग लैम्डा एम सी एंड लैम्डा, एंड बाय कंपेयरिंग लैम्डा एम सी एंड लैम्डा एम नॉट, वी कैन मेजर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं, और वो क्या, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी बाय लैम्डा एम नॉट। ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये भी आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये बाय यूजिंग कॉलर्स लॉ यू कैन मेजर इट, और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली तो ये वैल्यू आ रही है, बट अगर हम माने कि वो 100% आयनाइज हो गया है तो ये आ गई। तो सीधी सी बात है, वो नंबर तो कर रहा था 70, ठीक है, और हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि वो 100 नंबर ले रहा है, तो कितने परसेंट उसने असल में कितने परसेंट नंबर लिए, तो आप लोग कहेंगे सर 70, एज्यूम हमने कर लिया था 100 × 100, तो 100 × 100 तो कितने परसेंट हो गया, 70%। तो दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब इतना डिसोसिएट हुआ है, ठीक है। तो ये भी हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, कोलरस लॉ के बेसिस पे, क्लियर है, होपफुली कुछ है नहीं इसमें। तो नेक्स्ट है इन डिटरमिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, अगली एप्लीकेशन है इन डिटरमिनेशन ऑफ dissociation constant of weak acid, dissociation constant of weak acid, dissociation constant of Ka लिख देता हूं, Ka of weak acid का dissociation constant भी निकाल सकते हैं। अच्छा ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ weak acid, weak base का भी निकाल सकते हो, basically आप dissociation constant निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं, लेट वी हैव अ वीक एसिड एसिटिक एसिड, ये डीकम्पोज हो गया भाई, पूरा तो नहीं टूटेगा, किसी ये टूटा है, इस इक्विलिब्रियम पे सेटअप है, जब टाइम जीरो था, मतलब जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, डिसोसिएशन नहीं हुआ था, एसिटिक एसिड की कंसेंट्रेशन है सी, और ये टूटा कितने डिग्री तक है, अभी पिछले एप्लीकेशन में निकाला, जब इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ तो ये टूट गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था इसका अल्फा, तो कितना बच गया ये सी अल्फा, तो ये कितना बन गया सी अल्फा, ये सी अल्फा, होपफुली बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं हुआ होगा। अगर मान लो यहाँ पे एक स्टूडेंट था, टी टाइम के बाद में जब आके देखा तो क्या हुआ, यहाँ पर मुझे ये तो पता नहीं कितना बना, बट ये पता चल गया ये कितना है, ठीक है, तो ये कितना बना है, ये मुझे पता चला कि 70% टूट गया, तो मैंने क्या किया, इसमें से 70% 70/100 0.7 घटा दिया, तो ये कितना बनेगा 70/100 70/100, यही तो बनेंगे ना, तो ये कितना बच गया 1 − 0.7 = 0.3, ये 0.7, ये 0.7, ये आ गया भाई। तुम लोगों का होगा फिर सर ये सी से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, आप अल्फा ही घटा देते भाई, आप 50 बच्चे थे 30 चले गए, तो मैं कितने करूंगा 50 − 30, यही तो करूंगा, तो ले तो यहाँ पे सी अल्फा क्यों किया गया। अगर मान लो यहाँ पे 10 बच्चे थे तो ये 10 और ये 70% किसका था, 10 का 70 था या 1 का 70 था, तो तुम कहोगे सर 10 का 70, तो क्या करना पड़ेगा 10 × 70/100, यही तो करना पड़ेगा, तो C माइनस सी अल्फा, क्लियर है, होपफुली अब क्लियर हो गया होगा, बाकी तो ये इक्विमोलर है भाई, इनकी कंसंट्रेशन सेम है ना, इसीलिए 1:1 रेशियो में है, तो 1:1 ले लिया, तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, क्योंकि ये एसिड है इसलिए इसको के ए कह सकते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन क्या है, सी अल्फा बाय सी इंटू 1 − अल्फा, सी से सी कैंसिल, दिस इज के ए, तो के ए किसके बराबर आ गया, सी अल्फा स्क्वेयर बाय 1 − अल्फा, ये आ गया कि नहीं आ गया। अल्फा कैसे निकाल सकते हैं, लैम्डा एम सी बाय लैम्डा एम नॉट, और लैम्डा एम नॉट कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग कैसे, बाय यूजिंग कोलरस लॉ, और लैम्डा एम सी
एक्सपेरिमेंटली याद होगा के इंटू 1000 बाय मोलेरिटी, याद है हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहां से लैम्डा एम सी भी निकाल पाएंगे, लैम्डा एम नॉट कॉलरस लॉ से अल्फा आ जाएगा, कंसंट्रेशन तो हमें पता ही है, जो मोलेरिटी है वही कंसंट्रेशन है, तो के ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो दिस इज द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, इनडिटरमिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ वीक एसिड, क्लियर है। तो पहला तो क्या था, लैम्डा एम नॉट फॉर वीक एसिड निकाल लिया था, दूसरा था आयनिक मोबिलिटी निकाल लिया था, तीसरा क्या था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फोर्थ है डिसोसिएशन कांस्टेंट। नाउ द फिफ्थ वन इज इन डिटरमिनेशन ऑफ सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट solubility product is denoted by k ke niche sp and solubility by small s of sparingly soluble salts kya hote hain, pehle to ye jaan lo, sparingly soluble salts wo hote hain which dissolved up to very small extent, jo bahut kam extent tak dissolve hote hain किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, ठीक है। दी साल्ट्स विच गेट डिसॉल्व्ड अप टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट इन अ सॉल्वेंट आर sparingly soluble salts, they are the sparingly soluble salts जो पूरी तरीके से dissolve नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, so sparingly soluble salts attains the saturation point at very small concentration, बहुत ही कम concentration पे ही वो क्या कर लेते हैं, saturation point पता है, जिसमें और ज़्यादा solute dissolve ना हो, क्योंकि ये बहुत कम dissolve होते हैं। like मेरे पास ये है water है, इसमें मैंने silver chloride डाल दिया, तो थोड़ा सा silver chloride डालते ही उसके क्या बनने लगे, crystals बनने लगे, मतलब वो dissolve हो ही नहीं रहा। तो dissolve नहीं हो रहा, तो इसका मतलब saturation point आ गया। And we know concentration is known as solubility. Concentration को ही solubility बोला जाता है at saturation point. Saturation point जैसे ही आ जाए तो उस time पे हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन को ही सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। मतलब मोलेरिटी है वो भी सोल्यूबिलिटी, नॉर्मेलिटी है वो भी सोल्यूबिलिटी, अगर तो सेचुरेशन पॉइंट आ गया है, और सेचुरेशन पॉइंट तो स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट में तभी आ जाएगा। तो क्या कह सकते हो, सो लैम्डा एम किसके बराबर है, एम नॉट इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाय मोलेरिटी। मैं दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ये वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, कैसे, बाय यूजिंग कॉलरस लॉ। तो मोलेरिटी इफ सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड देन मोलेरिटी इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी। तो मोलेरिटी किसके बराबर है, सॉल्युबिलिटी ही है, ठीक है। लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाय द सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को स्मॉल एस से दिखाया गया है, तो स्मॉल एस किसके इक्वल आ गया, के इंटू 1000 बाय लैम्डा एम नॉट, तो एस निकल के आ जाएगा। के क्या है, इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, के इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैसे निकालते थे, पूरा बता चुका हूँ। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट निकल जाएगा, एंड लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू is calculated, this is limiting molar conductance and it can be calculated by using, कैसे calculate करोगे, calculated by using Kolrush law को use करके आप क्या कर सकते हो, s value निकाल सकते हैं,
ठीक है, कोलरस लॉ को यूज करके पहले लेवड़ा एम नॉट, दिस इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, आप लोग निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, और फिर यहाँ से आ जाएगी सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी आ गई, तो सोल्युबिलिटी किससे रिलेट है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कैसे रिलेट है। अब पहले सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ना जान लो, तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स गुना, गुना किसकी, सोल्युबिलिटी की, सेचुरेशन पॉइंट पे, बस यही है। तो मैं यहाँ से आगे लिखता हूँ, तो व्हाट इज के एस पी, मेरे पास ये कोई स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट है ए एक्स बी वाई, ठीक है, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट है, जैसे इसको पानी में डाला ये टूट गया इसमें, ठीक है, वाई मोल्स ऑफ बी एक्स नेगेटिव, तो दिस इज एक्स एस, दिस इज वाई एस, ये इसमें टूट गया, तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या आ गई, एस आ गई, एक्स टाइम ऑफ एस और वाई टाइम ऑफ एस, तो के किसके बराबर हो जाएगा, एक्स एस की पावर एक्स, वाई एस की पावर वाई, डिवाइडेड बाय ए एक्स बी वाई। तो ये तो सॉलिड फॉर्म में ही है, ये तो सॉलिड फॉर्म में है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, अगर पानी में डाले गए हैं तो इनकी तो कंसंट्रेशन मेजर करेंगे, तो इसको इधर ले आओ, तो इसकी सॉलिड की तो कितनी लेते हैं, यूनिटी लेते हैं ना, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट, और उसको बोला जाएगा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो एक्स एस रेज टू द पावर एक्स, वाई एस रेज टू द पावर वाई, तो ये आ गई हमारे पास सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो व्हाट इज द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आप बता सकते हैं, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ of ions of sparingly soluble salt at saturation point के ऊपर। याद रखें भाई जो स्टूडेंट्स, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं कि तुम्हें ये पता होगा, सेचुरेशन पॉइंट होता है जब और ज्यादा सोल्यूट डिजोल्व ना हो उस सॉल्वेंट में, किसी भी सॉल्वेंट में टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, उस टाइम पे सारी कंसंट्रेशन टर्म, सोल्युबिलिटी इज नॉट अ प्रोसेस, जो आप घुलना बोलते हो दैट इज नॉट सोल्युबिलिटी, दैट इज डिसोल्यूशन। सोल्युबिलिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है, वो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी ही बोली जाती है अगर वो सेचुरेशन पॉइंट पे निकाला जाए, तो मोलैरिटी को ही सोल्युबिलिटी कह सकते हो। तो इज द प्रोडक्ट ऑफ सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी की गुना of ions of sparingly soluble salt at saturation point that is the solubility product raised to the power their corresponding stoichiometric coefficients, जो उनके stoichiometric coefficients हैं, stoichiometric coefficient ये एक constant होता है, एक कांस्टेंट जो के किसी भी वेरिएबल के आगे लगा हो, जैसे मैंने 3x लिख दिया, 4y लिख दिया, तो ये तो वेरिएबल्स हैं, इनके आगे जो ये कांस्टेंट लगा है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट होता है, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट उनकी पावर जाएंगे और वो है क्या, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जैसे मेरे पास है, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, लाइक AlCl3 किसमें टूटा हुआ है, Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव, तो सेचुरेशन पॉइंट है, तो ये सॉलिड स्टेट में है, तो अगर इसकी सोल्युबिलिटी S है तो ये तीन टाइम आएगी ना इसकी कंसंट्रेशन, तो 3S हो गया, तो KSP किसके बराबर है, एल्यूमिनियम आयन की मल्टीप्लीकेशन इंटू क्लोराइड आयन की मल्टीप्लीकेशन और इसकी पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो ये कितना आ गया S और ये कितना आ गया 3S की पावर 3, तो कितना हो गया, दिस इज 27s की पावर 4। तो s तो मैंने निकालना बता ही दिया आपको, सोल्युबिलिटी कहाँ से आ जाएगी, अभी निकाला था हमने सोल्युबिलिटी, निकाला था k into 1000 by lambda m naught, s is equal to k into 1000 by lambda m naught, यही निकाला था ना, यहाँ से तो सोल्युबिलिटी आ जाएगी और इस रिलेशन में रख दो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ जाएगी, आया समझ में। सो दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ओके। नेक्स्ट है इन डिटरमिनेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इन डिटरमिनेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, सारी की सारी जितनी भी ये चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग 11th क्लास में सब पढ़ चुके हो, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से करवा रहा हूँ, फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि
सर सही से समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग यही एप्लीकेशंस जो फंडामेंटल क्लासेस मैंने ली हुई हैं उनमें भी एप्लीकेशंस ऑफ कॉलरश लॉ नाम से एक वीडियो बना हुआ है, आप लोग वो वीडियो देख लें, वो उससे आपको ये और भी ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाएंगी। मतलब अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है, अगर बेसिक क्लियर है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो ये भी आपने इक्विलिब्रियम यूनिट में पढ़ा हुआ। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, ये वाटर जो है इट अंडरगो सेल्फ आयनाइजेशन, ठीक है, इसमें ऑटो प्रोटोलिसिस होता है, ये अपने आप ही किसमें एच पॉजिटिव आयन और ओ एच आयन में टूट जाता है। तो K किसके बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एच पॉजिटिव इंटू ओ एच नेगेटिव डिवाइडेड बाय एच टू ओ। अब वाटर तो प्योर लिक्विड है, तो प्योर लिक्विड की भी कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट ली जाती है, तो K इंटू एच टू ओ इज इक्वल टू एच पॉजिटिव इंटू ओ एच नेगेटिव, तो दिस इज अ कांस्टेंट, इट इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट, उसको बोला के डब्ल्यू। सो दैट इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सो के डब्ल्यू इज वॉट, what is ionic product of water, it is the product of concentration of hydrogen ion and OH ion at a certain temperature, kisi particular temperature pe hydrogen ion ki concentration aur OH ion ki concentration ki guna kar do to you will get the ionic product of water। tum sabko ye value bhi pata hai, main bata bhi dunga abhi, to uske liye ab hame kya karna padega, we have to calculate lambda m naught of water। लैम्डा एम नॉट ऑफ वाटर किसके बराबर होगा, लैम्डा एम नॉट ऑफ एच पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ ओ एच नेगेटिव, यही होगा भाई। अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालना है वाटर का तो ये किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा एम नॉट ऑफ एच पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ ओ एच नेगेटिव, क्योंकि वाटर किस में टूटा हुआ है, ये लिखा हुआ ऊपर एच पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव। अगर मुझे इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस पता हो, लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टेंस और इसकी पता हो, तो क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, आई कैन इजीली कैलकुलेट दी, कैलकुलेट व्हाट द टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ वाटर, टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ वाटर और कितनी है एच पॉजिटिव आयन की, लैम्डा एम नॉट वैल्यू इज 349.8 सीमेंस पर सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल और इसकी है 198.5, ठीक है। तो याद रहे कि किसकी मोलर कंडक्टेंस ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन की। अब आगे आएगा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको ये याद रखना कि हाइड्रोजन आयन और ओएच आयन दोनों चल रहे हो तो कंडक्टेंस किसका ज्यादा है, किसकी वजह से, हाइड्रोजन आयन की वजह से ज्यादा है एज कंपेयर टू ओएच आयन, ऑलमोस्ट डबल साइज, डबल नहीं तो 1.5 टाइम तो है ही, जोड़ दे भाई दोनों को, दोनों को जोड़ो तो 198.5 क्या आ गया, 8 और 5 13, 9 और 8 17 और 1 18 14 5, तो कितना आ गया भाई, दिस इज 548.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ओके। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास लैम्डा एम नॉट ऑफ एच टू। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कंसंट्रेशन चाहिए, मुझे अगर हाइड्रोजन आयन और ओएच आयन की कंसंट्रेशन मिल जाए तो क्या हो जाएगा, मेरा तो काम बन जाएगा। तो कैसे बनेगी ये, तो लैम्डा एम नॉट किसके बराबर होता है, के इंटू 1000 बाय मोलेरिटी, यही होता है। व्हाट इज के, के इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, 1000 बाय मोलेरिटी, मोलेरिटी इज नथिंग बट दी कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है, तो मुझे तो कंसंट्रेशन ही चाहिए, तो कंसंट्रेशन किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट, यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, K of water मुझे चाहिए, K of water, तो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों को याद तो होगा, मैं देख लूँगा इस चीज़ को। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू K of water इंटू 1000 डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट फॉर water, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ water मैंने लिखा हुआ है एंड इट्स वैल्यू इज 5.54 into 10 raised to the power minus 8 into 1000, 10 की पावर 3 लिख देते हैं इसको, डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 550, कितना था 548.3, दैट वाज 548.3, यही था K की वैल्यू, K की वैल्यू K ऑफ H2O इज इक्वल टू कितना है
स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ वाटर इज 5.58 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8 सीमेंस पर सेंटीमीटर, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स यही है। तो ये वैल्यू आ गई भाई, तो ये हो गया। तो ये इसको भी लगभग इतना ही कर देते हैं, 5.54 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8 है और ये 10 की पावर 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस कितना हो गया, 10 की पावर माइनस 4 माइनस 5 हो गया, डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 5.483 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 ऐसे लिख दूं, तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो ये ऑलमोस्ट 1 ही आएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 1.01 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7, दिस इज कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन किसकी है, दिस इज कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन या फिर कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, ये कंसंट्रेशन है। जब आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकाल रहे थे वाटर की, तो कंसंट्रेशन किसके बराबर आ रही थी, वाटर की H पॉजिटिव आयन और OH आयन की कंसंट्रेशन के बराबर थी। तो यही तो आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव इज 1.01 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, व्हाट इज KW इक्वल टू, KW किसके, W है ये H एंड है, दोनों की ही सेम आएगी क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन क्या थी, H2O टूटा था H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर है, OH आयन कंसंट्रेशन। तो KW किसके बराबर था, H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा 10 रेज टू द पावर माइनस 7 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7, तो कितना आ गया 10 रेज टू द पावर माइनस 14। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना है 10 की पावर माइनस 14, याद है ये वैल्यू, pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14 जो वैल्यू आई थी ये वही है। तो ये वैल्यू हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोलरश लॉ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। एक और एप्लीकेशन है, दैट इज इनकंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस, बट वो आप लोगों को मैं अलग से एक वीडियो में डालूंगा, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस, और उसी में हम लोग pH भी पढ़ाएंगे। ठीक है, वो एक ही वीडियो बन जाएगी। अगर कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस ज्यादा बढ़ गया तो मुश्किल हो जाएगी, फिर तो अलग अलग डालना पड़ेगा pH भी और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस भी। तो अभी के लिए आपको मेन मेन एप्लीकेशंस मैंने बता दी, मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूँ जो मैंने आज आपको पढ़ाया एप्लीकेशंस में। बाकी तो कुछ पढ़ाया नहीं था, कोई खास बात नहीं थी, इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी था आयनिक कंडक्टेंस के ऊपर, आयनिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एप्लीकेशंस ऑफ कोलरश लॉ में हमने निकाला लेमडा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लेमडा एम नॉट, और आयनिक मोबिलिटी हमने निकाली किससे, आयनिक कंडक्टेंस बाय 96,500 कुलाम्ब है, दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड थर्ड एप्लीकेशन एल्फा निकाला, लेमडा एम सी बाय लेमडा एम नॉट ऐसे निकाला। फोर्थ एप्लीकेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला एसिड के लिए, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा ये निकाला। फिफ्थ हमने निकाला सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और सिक्स्थ हमने अभी निकाला था KW दैट इज इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर ये तो मैंने वैसे ही बता दिया कि आपको आगे भी पता चल जाए कि pH और pOH जो दोनों की वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं तो वो कितनी आती है 14। वो अभी pH वैसे याद भी होगा, अगर इसका गुणा करो तो नेगेटिव लॉग ले दो, तो नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 14, दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले दिया, तो नेगेटिव लॉग ऑफ H इज pH, नेगेटिव लॉग ऑफ OH इज pOH, और ये 14 माइनस का है आगे आ गया तो 14, तो pH प्लस pOH। pH स्केल पे आपको याद होगा कि आप 14 तक स्केल बनाते थे, तो वो 14 तक क्यों बनाते थे ये वैल्यू अभी आपको पता चल गई। तो ये एप्लीकेशंस थी। एक और एप्लीकेशंस है उसको बट अलग से स्टडी किया जाता है, और वो है क्या, इनकंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलरश लॉ पे ही बेस्ड है, तो वो अब हम लोग करेंगे, वो एक्चुअल में कंडक्टेंस पे बेस्ड है, तो इसीलिए कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को अगले वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक है, ओके, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।